चलिए चलते हैं भारत के पड़ोसी देश के एक बेहद ही खूबसूरत शहर की सैर पर। एक ऐसा शहर जो कई नामों से जाना जाता है, एक ऐसा शहर जो दुनिया की सबसे पुरानी राजधानियों में से एक है। 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है दोस्तों ये शहर। यहाँ पर आपको ड्रैगन की कुछ ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। कहा जाता है कि यहाँ बहुत सारी झीलें हैं और उन झीलों के नीचे दफन है बहुत सारे राज। यहाँ जाना बेहद ही आसान है। हम आज आपको सब कुछ बताएंगे इस खूबसूरत शहर के बारे में, वो राज जो आप तक नहीं पहुँचे और वो बातें जो आप नहीं जानते। तो चलिए चलते हैं एक बेहद ही खूबसूरत शहर की सैर पर। नाम है हनोई, जो है वियतनाम की राजधानी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, हनोई वियतनाम की राजधानी है और देश का दूसरा सबसे बड़ा शहर भी। ये रेड नदी के किनारे पर है और खूबसूरत भौगोलिक क्षेत्र के लिए जाना जाता है। यहाँ की कुल पॉपुलेशन 80 लाख से ज्यादा है और तेजी से यहाँ की जनसंख्या बढ़ भी रही है और तेजी से ये शहर विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। हनोई का ये शहर अपनी सांस्कृतिक केंद्र के रूप में पहचान रखता है। वैसे तो यहाँ पर बौद्ध धर्म प्रमुख धर्म है, लेकिन फिर भी ईसाई और ताओ धर्म आपको मुख्य दिख जाएंगे। आपको पता है यहाँ पर सांस्कृतिक विरासत और यहाँ के लोगों का व्यवहार यहाँ पर टूरिस्ट को बुलाता है। यहाँ के लोग काफी फ्रेंडली हैं और बाहें फैलाकर आपका स्वागत करते हैं। इनकी इकोनॉमी कहीं ना कहीं टूरिज्म के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस ज्यादा नजर आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन एक बड़ी समस्या थी, हालांकि गवर्नमेंट ने अब इस पर काफी रोक लगाई है। यहाँ पर वैश्यावृत्ति अवैध है, लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन काफी तेजी से फलता फूलता है। हालांकि ये अभी भी कुछ क्षेत्रों में चोरी छुपे भी होता है। सरकार द्वारा इसे रोकने के लिए कई सख्त कदम उठाए गए हैं, इसे कंट्रोल करने के लिए कई पॉलिसीज भी बनी हैं, लेकिन ये इस देश को छोड़ने को तैयार नहीं है। हालांकि कभी कभी तो ये भी कहा जाता है कि प्रोस्टिट्यूशन के चलते ही यहाँ टूरिज्म बढ़ रहा है। अब इसका कारण क्या है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हाँ, टूरिज्म के साथ साथ यहाँ का प्रोस्टिट्यूशन भी वर्ल्ड फेमस है। दोस्तों, हनोई का इतिहास भी बहुत पुराना है। ये वियतनाम के इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। शहर की स्थापना 1010 ईस्वी में हुई। 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है ये शहर। इसे थांग लांग नाम दिया गया था। समय के साथ ये शहर बहुत सारे राजवंशों और उपनिवेशवादी शक्तियों के तहत विकसित हुआ और 1954 में वियतनाम के विभाजन के बाद हनोई उत्तरी वियतनाम की राजधानी बनी और 1976 में ये देश की राजधानी बनी और ये दुनिया की सबसे पुरानी राजधानियों में से एक भी बन गई। दोस्तों, इसे आप झीलों का शहर भी कह सकते हैं। हनोई को झीलों का शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 20 से ज्यादा झीलें हैं, जिनमें होन किम झील सबसे प्रमुख है। ये झील शहर के दिल में स्थित है और इसके साथ जुड़ी हैं कई सारी पौराणिक कहावतें और कहानियां। एक कहानी हम आपको सुनाते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि यहाँ पर इस झील के नीचे पूरा का पूरा एक गांव है और इसका जल स्तर जब घटता है तब ये गांव नजर आता है, इसका स्ट्रक्चर नजर आता है। पुराने लोग कहते हैं कि ये गांव यहाँ बसा हुआ था, लेकिन उसके बाद प्राकृतिक आपदाओं ने गांव को खत्म कर दिया। लेकिन आज भी गांव में कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो जीवित हैं, हालांकि रहस्यमयी चर्चा है जो लगातार चल रही है। इसी के साथ हनोई के लाल नदी के ड्रैगन की चर्चा भी बहुत है। दोस्तों, हनोई का पुराना नाम थांग लांग था, जिसका मतलब है उड़ता हुआ ड्रैगन। एक कथा ये है कि जब राजा ली थाई टो ने 1010 में शहर को अपनी राजधानी बनाने का फैसला किया, तो उन्होंने देखा कि एक ड्रैगन रेड नदी से ऊपर उठ रहा है और आकाश में उड़ रहा है। उन्होंने इसे शुभ संकेत माना और शहर का नाम थांग लांग रख दिया। ये माना जाता है कि ये ड्रैगन अब भी शहर की रक्षा करता है और यही इर्द गिर्द मौजूद है। इसी के साथ तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं यहाँ पर जिसके लिए हनोई जाना जाता है, जैसे कि 600 से अधिक मंदिर और पगोड़ा है हनोई में। वियतनाम के सबसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहरों में से ये एक है। इसी के साथ कहा जाता है कि अंडरग्राउंड बंकर, जो कि युद्ध के दौरान उपयोग में आए थे, आज भी यहाँ पर हैं और एक म्यूजियम के रूप में काम करते हैं। इसके साथ दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी खूबसूरती है, प्राकृतिक खूबसूरती ज्यादा है, जिसे आप अपनी खुली आंखों से देखिएगा और यकीन मानिए, एक बार देखेंगे तो बार बार आएंगे। यहाँ आना बहुत आसान है, थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन और वीजा अप्लाई करने के बाद आप यहाँ आ सकते हैं। बस आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। आप यहाँ बाय एयर भी आ सकते हैं और बाय रोड भी आ सकते हैं। थोड़ा सा ख्याल रखिएगा और आप इजीली इस शहर को एक्सप्लोर करेंगे। आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं चलिए आपको बताते हैं।
दोस्तों आप जा सकते हैं बावी राष्ट्रीय उद्यान, एक ऐसी जगह जो अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है, एक ऐसी जगह जहां आकर आप बहुत सारा मौज मस्ती कर सकते हैं, एक ऐसी जगह जो कि शहर की भीड़ भाड़ से अलग है। तीन शिखर वाले पहाड़ के लिए प्रसिद्ध है ये जगह। नीले आसमान में तेजी से उभरते और यात्रियों का स्वागत करते हुए इस शहर को देखना अपने आप में खास एक्सपीरियंस है। इसी के साथ दोस्तों आप आ सकते हैं हनोई के एक ऐसी जगह पर जो कि ओल्ड क्वार्टर के रूप में जानी जाती है। शहर का एक अतुलनीय रूप है यहाँ पर। अगर आप कुछ पुराना देखना चाहते हैं तो ये जगह परफेक्ट है। यहाँ आने वाले लोगों के लिए सकरी गलियाँ उनका इंतजार कर रही हैं। इसी के साथ यहाँ की वास्तुकला अनोखी है, टहलने के लिए परफेक्ट जगह है। साथ ही सस्ते दामों पर आप यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रीट फूड का लुत्फ उठा सकते हैं। दोस्तों अगर आपने कभी कठपुतली थिएटर में डांस नहीं देखा है तो यहाँ आ जाइए, और हाँ अगर देखा भी है तो इस यूनिक डांस को आपने कहीं नहीं देखा होगा। थांगलोंग कठपुतली थिएटर, हर यात्री के लिए यहाँ आना मस्ट है। थिएटर पानी की कठपुतली के प्राचीन कला के रूप में जाना जाता है। पानी में कठपुतली डांस करती हैं और अपने आप को प्रेजेंट करती हैं। ये यहाँ की परंपरा है जो बहुत ही अनोखी है। यहाँ मेहमान एशिया की कठपुतली परंपरा को देखने आते हैं, और हाँ पानी में सुंदर सुंदर रूप से डांस करती हुई फिसलती कठपुतलियाँ अपने आप में बहुत खास है। ये इसके ट्रेडिशन और कला को दिखाती हैं। इसी के साथ दोस्तों आप जा सकते हैं हनोई ओपेरा हाउस, जिसे कि पेरिस के समकक्ष बनाया गया। हनोई ओपेरा हाउस अपने हाथी दांत रंग के स्तंभों और अलंकृत बालस्ट्रेड और गॉथिन गुंबदों के लिए जाना जाता है। यहाँ आने वाले मेहमान आराम से यहाँ पर बैले प्रदर्शन और वियतनामी ओपेरा का एंजॉय करते हैं। नृत्य शो भी होते हैं और म्यूजिक शो भी। दोस्तों मैंने आपसे कहा था ना कि ये जगह झीलों का शहर है, तो यहाँ पर झील को एक्सप्लोर किए बिना आप जा ही नहीं सकते। होम किम झील और न्योक्सो चटक लेक के नाम से मशहूर है ये। होआन किम हनोई की एक खास जगह है, दोस्तों और परिवारों के साथ घूमने फिरने के लिए परफेक्ट। झील की खूबसूरती को देखेंगे ना तो सीरियसली मदहोश हो जाएंगे। बीच में एक छोटे से द्वीप पर बना नकोकसोन मंदिर है, जिसको कनेक्ट करता है ये छोटा सा पुल। इस पर चढ़कर आप वहां पहुंच सकते हैं, और सीरियसली रात में तो ये नज़ारा इतना खूबसूरत होता है कि मन करता है कि यहीं रुक जाए और कहीं ना जाए। सीरियसली यहां का सनसेट और सनराइज दोनों बहुत खूबसूरत है। इसी के साथ दोस्तों आप जा सकते हैं थांगलोंग का शाहीगढ़, अगर इतिहास और वास्तुकला से परिचित होना चाहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता है कि थांगलोंग का शाहीगढ़ शायद वियतनाम का सबसे दिलचस्प अवशेष है, जो इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दिखाता है। 40 मीटर ऊंचा ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल अपनी वास्तुकला के साथ साथ हनोई के इतिहास के लिए जाना जाता है। घूमने के लिए परफेक्ट जगह ये गढ़ 8 शताब्दियों तक वियतनाम के राजनयिक केंद्र के रूप में पहचान रखे था। यहाँ पर आने का समय सुबह 8 बजे से शाम 7:30 बजे तक है। इसी के साथ आप यहाँ पर आकर इतिहास को करीब से जान सकते हैं। आई होप दोस्तों ये जगह आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी हमें बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।